सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना, स्पीड न्यूज विच आप सब का स्वागत करती हूं। किसान खेती कानूनों खिलाफ पिछले 3.5 महीने तो आंदोलन विच डटे हुए ने। गाज मुसहरा से इस बार देश की इतिहासक होली मनाने का दावा किया जा रहा है। इस अलावा 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाने भी नौजवानों को मौका दिया जा रहा है। नाल ही दिल्ली टिकरी बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन उग्राह का कहना है कि 21 से 23 मार्च दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तो इलावा देश के दूसरे सूबे में भी नौजवान सम्मेलन का प्रबंध किया जाएगा। देश भर में एक बार फिर से कोरोना इन्फेक्शन के मामले में तेजी देखने को मिल रही है। दुनिया भर में बीते 12 करोड़ से ज्यादा कोरोना इन्फेक्टेड मरीज ने, उते ही भारत में यह गिनती 1.14 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सोमवार देश के दो सूबे में मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 797 नवे मामले सामने आए हैं और कर्नाटक में 932 केस नवे देखने को मिले। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर तो मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक 17 मार्च को सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही होगी। मीटिंग दौरान वैक्सीनेशन बारे विचार वटांदरे किए जाएंगे। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर भारत का दौरा करेंगे। बरतानिया के यूरोपियन यूनियन तो बाहर आने बाद बोरिस जॉनसन की यह पहली वड्डी अंतरराष्ट्रीय यात्रा होगी। पुलथ तो विधायक और पंजाब एकता पार्टी के लीडर सुखपाल सिंह खैरा को ईडी ने साल 2015 के ड्रग केस में समन भेजे। ईडी ने सुखपाल सिंह खैरा को 17 मार्च को दिल्ली दफ्तर विखे तलब किया। दिल्ली की अदालत ने पुलिस इंस्पैक्टर मोहन चंद शर्मा के कतल और 2008 के बटला हाउस मुकाबले जुड़े होर मामले में आरिज खान को मौत सजा सुनाई है। वधीक सैशन जज संदीप यादव ने सजा सुनाई है। साकेत अदालत ने इस रीअरेस्ट ऑफ रियर केस मनिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार बीकानेर में जमीनी कपले नाल संबंधित एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी से 5 अप्रैल तक रोक लगाई है। फौज भर्ती में कपले के सिलसिले में सीबीआई ने कई थावां ते छापेमारी की है। उते ही इस मामले में सीबीआई वालों फौज के 17 अधिकारियों से केस दर्ज किया गया, जिसके नाल ही कुल 30 थावां ते छापा मारा गया। दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर में एक फर्जी एयरलाइंस जॉब प्लेसमेंट एजेंसी चलाने के दोष में 7 औरतों के एक ग्रुप को गिरफ्तार किया। दोषी पीड़ितों को हवाई अड्डों से नौकरियां देने के बहाने ठगते सन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस लेते सन। थानक शहर के जेल रोड से एक तेज रफ्तार आ चुका दरखत नाल जा टकराई है। टक्कर इन्नी जबरदस्त थी कि चालक की मौके पर मौत हुई है। नाल बैठा एक और व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी होया, जिसे 108 की मदद नाल सिविल अस्पताल गुरदासपुर विखे पहुंचाया गया। भारत इंग्लैंड विचकार चल रहे T20 सीरीज के बाकी अगले 3 मैचों बिना दर्शकों के नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले जाएंगे। फैसला कोरोना के बढ़ रहे केसों को मुख रख के किया गया। पाकिस्तान के कराची में हुए एक विस्फोटक में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के एक जवान की मौत हुई है, 10 और जख्मी हुए हैं। पाबंदीशुदा बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। धन्यवाद।